मसले को नहीं अपील करने की जरूरत ही नहीं है। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं ना 24 में, तो फर्क तो दिखाइए, फर्क तो दिखाइए। क्या आप जो बीजेपी एजेंडा सेट करेगी उसी पर चलेंगे? आप फर्क दिखाइए। अब मुझे नहीं मालूम कि वो लोग उस पर बात करेंगे नहीं करेंगे, मगर आपको तो फर्क दिखाना पड़ेगा ना। मगर वो तो बड़ा एक्सट्रीम क्लब है, बड़े बड़े चौधरियों का क्लब है, उसमें असद ओवैसी जैसे अछूत को तो हम तो हमारा सहाय भी नहीं पड़ सकता उनके ऊपर, वरना पूरे के पूरे उन लोगों को फिर क्या हो जाएगा नहीं मालूम। आपको कहीं ना कहीं टीस है कि आपको नहीं? नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं है। आप बीजेपी को हराना चाह रहे, हम भी हराना चाह रहे कि बीजेपी दोबारा 24 में सरकार ना बनाए और दोबारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने। हम तो कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान तो बीजेपी को वोट दिया ही नहीं ना 2014 में, और 2019 जितना परसेंट था उतना 19 में था। वोट किसका जा रहा है बीजेपी? अरे वोट किसका जा रहा है भैया बीजेपी को? मेरा जा रहा है वोट? तो आपका जा रहा है, आप बताइए। और आपका जो कमिटमेंट है सेक्युलरिज्म पे, मगर आप हराना चाहते बीजेपी को। अच्छा ये बोलिए, हमारे मुख्यमंत्री को नहीं बुलाए तेलंगाना के? मामूली आदमी है वो, सियासत की शतरंज का शातिर खिलाड़ी है, आप उसको दूर कर दिए, ठीक है करिए। अच्छा हेमंत विश्व शर्मा ने बोला है कि महंगी सब्जियां जो हुई हैं, हाँ मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं। हाँ 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 हाँ, ये इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये? मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियां पे डाल दो। अच्छा वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी क्या बंगाल मियां है? अब जब यूएई में उतरे हैं मोदी जी, अभी दुबई में, मियां ही से तो मिल रहे हैं ना, मियां ही से तो मिल रहे हैं। अब आप किनको मियां से तकलीफ? यही देखिए, ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी, इसमें हमको मालूम है। सर अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव सर पे है और विधानसभा सूबे तेलंगाना का भी विधानसभा चुनाव होना है, सीटों को लेकर काफी चर्चा है कि आप परंपरागत रूप से जितनी सीटों पे लड़ते थे उससे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, या तो सूबे में या फिर लोकसभा चुनाव में, कुछ तय किया है आपके पास? नहीं, जब सही वक्त आएगा पहले आपको बताएंगे और ऑन रिकॉर्ड बताएंगे। नहीं नहीं, आप सुन लीजिए, हम आपको ऑन रिकॉर्ड बताएंगे, अभी वक्त आया नहीं है तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मीटिंग्स के दौर जारी हैं। नहीं, देखिए कोई गुपचुप मीटिंग्स कुछ भी नहीं होती, हम लोग ये छुप छुप कर काम नहीं करते। हमारा उसूल एक ही है, प्यार किया तो खुल के करो, मुकाबला कर जिससे करना है तो खुल के मुकाबला करेंगे। तो अभी टाइम नहीं आया, टाइम आया तो बताएंगे। अरे भाई आपसे कोई बच पाया है प्रमोद जी? इतना बता दीजिए कि जितनी सीटों पे लड़ते उससे ज्यादा पे लड़ेंगे, मैं नंबर नहीं पूछ रहा हूँ। अब ऐसा है ना, जिस दिन आप जर्नलिज्म से बेजार हो जाएंगे हम आपको अपनी पार्टी में ले लेंगे। आप में बेहतरीन दिमाग है, पॉलिटिकल दिमाग आप में है, आप खामखा वक्त खराब कर रहे हैं यहाँ पर। सीटें ज्यादा बढ़ सकती हैं या अब लोकसभा की ही बात कर ले, अगर तेलंगाना आप अवॉइड करना चाहते ये हैं, तीन सीटों पे लड़ती है हमारी। देखिए हमको इस बात का एजाज हासिल है कि आपके साथ जो हम इतना वक्त गुजार चुके हैं, हम समझ गए आपको, आप कहां से वार करने वाले हैं। तो अभी वक्त जब आएगा हम अपना वार करेंगे, अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।